हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स जो हमने बुक स्टार्ट करी थी, कल हमने उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में बात करी थी। तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, उसके ही आगे का एक टॉपिक लेने वाले हैं। ये थोड़ा थ्योरी का टॉपिक है, इसलिए इसको पहले ही मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आप इसके नोट्स बढ़िया से बना सको। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति या सिस्टम। ठीक है, ये अपना सिस्टम है। वैसे आपने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में बढ़िया से स्टडी कर रखा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल टॉपिक रहता है जो आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन एक बार फिर इसको हम हमारे बुक का ये टॉपिक है, इसलिए हम इसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान आपका यही होना चाहिए, वीडियो क्लास तक आपको देखना है। तो कार्टेशियन जो आपकी कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, उसमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति तक जाने से पहले हम ये बात करते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक को अगर आप टू पार्ट्स में डिफाइन करते हो तो अपन क्या बोलते हैं उसको, निर्देश प्लस अंक, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देश प्लस अंक। उसका मीन क्या हुआ कि आप अंकों के द्वारा यानी आप डिजिट्स के द्वारा निर्देश बता रहे होते हैं, यानी आप पोजीशन बता रहे होते हो किसी एक पार्टिकल की कि वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर फ्रेम में या उस पर्टिकुलर जगह में, आप डिजिट्स के द्वारा बताते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, निर्देश अंक बोलते हो यानी निर्देशांक बोलते हैं हम उसको। ये तो नॉर्मल बात करी हमने, यानी निर्देशांक क्लियर है कि आप किसी भी पार्टिकल की स्थिति के बारे में जब बताते हैं, यानी कि कोई भी पार्टिकल, जैसे मैं हूँ, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी रेस्ट पोजीशन पे हूँ, तो मैं इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के किसी एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ। यानी मेरी, अगर आप किसी रेफरेंस फ्रेम से या किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, प्रेक्षक के द्वारा आप मेरी स्थिति की बात करें, तो मुझे आप बताएंगे कि मैं ब्रह्मांड के किस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ, मैं किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, सब किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से पड़ी हों, वो किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पे क्या कर रही हैं, ब्रह्मांड के यानी कि एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक का एग्जिस्टेंस होता है। किस जगह पे, किस पॉइंट पे, इस पूरे यूनिवर्स के किस पॉइंट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप निर्देशांक से बताते हो विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। उस रेफरेंस फ्रेम के निर्देशांक के बारे में आप कोऑर्डिनेट के बारे में वहां बात करते हैं, ठीक है। तो जो अपना कार्तीय निर्देशांक पद्धति है यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें आप क्या बताते हैं कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए, जो भी आपका पार्टिकल है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसकी क्या बताते हो, पोजीशन, स्थिति वो बताते हो। तो वो बताने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, यानी जिस भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिस भी निर्देशांक पद्धति का आप उपयोग ले रहे होते हैं, उसकी स्थिति बताने के लिए, यानी इस मार्कर की पोजीशन आप किसी एक फ्रेम में बताओगे तो वो फ्रेम किस तरीके की होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो फ्रेम आपकी होनी चाहिए जिसे एग्रीबल रूप से इजीली प्राप्त किया जा सके, ताकि पार्टिकल्स की पोजीशन में परस्पर रिलेशन बताया जा सके। ऐसा इजी निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा निर्देश तंत्र वो क्या कहलाएगा आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। यानी कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आपको स्थिति बताते हो बेटा, तब वहाँ पे जिस भी फ्रेम में आप बताते हैं, जिस भी निर्देश तंत्र में आप उसकी स्थिति बताते हैं, तो वो निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप एग्री कर सकें, यानी सारी पोजीशंस उसमें आप क्लैरिफाई कर सकें और हर तरीके से वो संतुष्ट करे उसको,
सारी सिचुएशंस वहाँ पे एग्री करें और काफ़ी इजी वे में आप उसको प्राप्त कर सकें, तब वहाँ पे उसको अपन क्या बोलते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा जो निर्देश तंत्र है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और जो अपने को पता है कार्तीय जो निर्देश पद्धति है, कार्तीय जो निर्देश सिस्टम है आपके, उसके अंदर तीन सरल रेखीय एक्सेस होते हैं, अक्ष। किसी भी कार्तीय पद्धति में तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। पता है अपने को ये चीज़, तीन उसको सरल रेखीय से हम दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड। किससे दर्शाते हैं बेटा, एक्स वाई जेड से हम उसको डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि तीन सरल रेखीय लीनियर एक्सेस से बताते हैं, एक्स वाई जेड से। क्लियर है ये चीज़, यानी उसकी आप पोजीशन बताओगे, उस जो आपकी निर्देशांक पद्धति है उसको बताने के लिए आप तीन एक्सेस का, तीन अक्षों का उपयोग करोगे, जिनके सापेक्ष आप उस पार्टिकल की, उस वस्तु की, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे होते हो। इज इट क्लियर? ओके बेटा, उसके बाद में अब उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पे वो आके कट रही हैं, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर आ रही है, तो जो तीनों आपस में जिस पॉइंट पे वो कट रही हैं, जिस पॉइंट पे जो उनका इंटरसेक्शन है, ये तीन है आपके एक्स वाई जेड, जो कि 90 डिग्री एंगल पे रहती हैं एक दूसरे के, और इनके बीच में ये जो जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, जिस पे आके ये कट रही हैं, उसको अपन ओ बोलते हैं। और वो ओ क्या कहलाता है अपना, मूल बिंदु कहलाता है बेटा, मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहलाता है। और जो ओरिजिन है उसके ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए प्रेक्षक को आप खड़ा करते हो, यानी जो आपका ऑब्जर्वर है जो उस पार्टिकल को देखेगा, क्योंकि कल हमने डिस्कस करा था कि आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष रिलेटिव बताते हैं, यानी जिसके सापेक्ष आप बताओगे उस रेफरेंस फ्रेम में, तो वहाँ पर बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जर्वर होगा, जो प्रेक्षक होगा, वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इन तीन एक्सेस के इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे ये कट रहे होते हैं, ओ पर ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी वहाँ से वो उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उसकी पोजीशन स्थिति के बारे में बताएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीसीएस, यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति के कितने टाइप हैं। मोस्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच आर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड राइट हैंडेड सिस्टम, यानी वामावृत्ति और दक्षिणावृत्ति। ये दो तरीके के सिस्टम हैं, और इन दो तरीके के सिस्टम में, यानी वामावृत्ति क्या होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स जा रहा होगा, और दक्षिणावृत्ति में एक्स जा रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में। क्लियर है ये चीज? तीन आपके एक्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, यानी 3D स्पेस में आप बता रहे होते हो। अगर आप 2D स्पेस में बात करते हो तो टू कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, और सिर्फ एक लाइन पे बात करते हो तो आप एक की बात करते हो। अगर एप पे बात करोगे तो एक्स लोगे, दो की बात करोगे एक्स वाई आ जाएगा, और आप अगर 3D की बात करते हैं तब आप वहाँ पे क्या लोगे, साथ में जेड एक्सिस लोगे। क्लियर है ये चीज़? यानी देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। और अधिकतम जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है आपका दक्षिणावृत्ति, यानी दक्षिणावृत्ति का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, यानी राइट हैंडेड का मैक्सिमम यूज किया जाएगा। मोस्टली यूज्ड जो आपकी कार्टेशियन सिस्टम है वो कौन सा है, राइट हैंडेड है। क्लियर है ये चीज़? यानी आज हमारा जो छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा थ्योरी का एक छोटा सा टॉपिक है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसमें हमने बताया कि जिस पार्टिकल की, जिस ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन बता रहे होते हो, वो पोजीशन आप ऐसी फ्रेम में बताएंगे जिसमें एग्रीबल और इजीली आप उसको चेक कर सकते हो, इजीली आप उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हो। वो पद्धति, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो निर्देश तंत्र क्या कहलाता है आपका, कार्टेशियन निर्देश तंत्र कहलाता है, जिसमें तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका ओरिजिन ओ कहलाता है। ओरिजिन ओ के ऊपर अपना प्रेक्षक डिपेंड, मतलब प्रेक्षक खड़ा रहता है, ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहता है। और कार्टेशियन सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं, पहला अपना होता है राइट हैंडेड, और यानी पहला लेफ्ट हैंडेड, दूसरा राइट हैंडेड, कोई भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपके
ठीक है, तो कल अपन नया टॉपिक लेंगे इसका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप ग्रोइंग, नोट्स बना लेना। इस टॉपिक के सिलेबस आपका रनिंग हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर यूट्यूब चैनल्स न्यू वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।